अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए हैं। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था, छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको, तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी।